नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली NCR। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दीनपुर श्याम बिहार के छठ घाट पर। बहुत पुराना और फेमस छठ घाट है ये, और ड्यू टू COVID-19 लास्ट ईयर जो है छठ पूजा नहीं हो पाई थी। उसके बाद में इस बार देरी से ही सही दिल्ली सरकार ने अनुमति दी है छठ पूजा की, लिहाजा जो काम है छठ पूजा की तैयारियों का वो इस घाट पर चलता हुआ। आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से जो यहाँ के निगम पार्षद हैं संतोष सुखबीर शौकीन, उनके सौजन्य से और साथ में पूर्व विधायक सुमेश शौकीन मटियाला से, उनकी प्रेरणा से ये छठ घाट पे यहाँ पे पूजा होती है। जो इलाके के तमाम जो पूर्वांचली लोग हैं साथ में जो डिवोटीज़ हैं छठ मैया के, वो यहाँ पे बड़ी संख्या में जुटते हैं और छठ पूजा करते हैं। इस बार जो पानी था वो काफ़ी यहाँ पे भरा हुआ था, लिहाजा दिक्कतें ज़्यादा थी, लेकिन उन दिक्कतों से पार पाते हुए संतोष सुखबीर शौकीन खुद यहाँ पे जुटे और अब जो छठ पूजा की तैयारियाँ हैं वो लगभग अंतिम चरण में हैं, यानी मुकम्मल कर ली गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुखबीर शौकीन, जो बताएंगे कितनी दुश्वारियाँ थी और किस तरह से ये छठ पूजा इस बार होगी। सुखबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर आपका। क्या कुछ कहेंगे, बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ थी। जब हम पीछे एक हफ्ता पहले यहाँ पे आए थे निरीक्षण करने, तब पानी जो है काफ़ी भरा हुआ था, गाद काफ़ी थी। कैसे, कितना, किस तरह से आपने उस पानी को निकाला? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि चुनौती तो वाकई में बहुत बड़ी थी, पर करवाने वाले तो और कोई होती है। छठ मैया का जब आशीर्वाद होता है तो हर काम आसान हो जाता है। तो क्योंकि एक तो परमिशन भी थोड़ा देरी से मिली है, देरी से मिलने के कारण ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी, क्योंकि सर्वांचल छठ पूजा समिति की माध्यम से हम यहाँ पिछले 9 साल से यहाँ छठ पूजा का आयोजन करते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि इस घाट का निर्माण करने वाले पूर्व विधायक सुमेश शौकीन है, और पिछले 4 साल से जब से इन लोगों ने मेरी मिसिज को अपना सेवक बनाया है पार्षद के रूप में, यहाँ से जो काम नहीं होने का है वो भी हो जाता है, क्योंकि सर्वांचल छठ पूजा के समिति के लोग दंडनीय निर्णय लेते हैं और इस काम को करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। सुखबीर जी, मेरे ख्याल से अभी अंतिम चरण में काम है। ये देखें तो घाट पे जो साफ़ सफाई है वो हो चुकी है, जो पानी है उसको भरना शुरू हो गया है साथ में, लेकिन अभी जो कीचड़ है काफ़ी वो जमा है। ये कब तक सूख जाएगी, कब तक यहाँ पे एक सुंदर भव्य पंडाल बनेगा जिसमें लोग आके जो है डिवोटीज आके अपना जो पूजा का सामान है वो रखें, एकत्रित हों और बाद में घाट पर छठ पूजा करें? आप देख रहे हो कि मकसद हमारा छठ पूजा कराने का है, घाट की सफाई करके घाट में पानी भरना शुरू कर दिया है। और जो आप वो कीचड़ बता रहे हो, आज मालिक ने चाहिए तो उस कीचड़ को हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि सुबह से ही ट्रैक्टर यहाँ लगा हुआ है, एक ट्रैक्टर अभी आ रहा है और एक JCB आ रही है। कल शाम को जब आप आओगे यहाँ छठ पूजा का आयोजन देखने, तो आपने मालिक ने चाहा तो ये ऐसा होगा जैसे एक फर्श होगा। मैंने उम्मीद है कि कल शाम को जब डिवोटीज जुटेंगे यहाँ पे, छठ व्रती जब जुटेंगे, तब तक तैयारियाँ आपकी सारी मुकम्मल हो जाएंगी, यहाँ पे पूरी हो जाएंगी। उम्मीद नहीं सर, कंफर्म करके देंगे ये बात हम, क्योंकि हमने लोगों से वादा कर रखा है कि अब की बार पिछले 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, ऐसा भव्य आयोजन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं सर्वांचल छठ पूजा समिति के सहयोग से और सुमेश शौकीन जी के आशीर्वाद से। लेकिन सुखबीर जी, यहाँ पे जो पब्लिक है भारी संख्या में जुटती है छठ का व्रत करने के लिए और सूर्य को अर्घ देने के लिए, ऐसे में जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियम हैं, उनका कैसे पालन सुनिश्चित करेंगे? जैसा कि बताया आपने कि सरकारों ने अनुमति तो दी छठ पूजा मनाने की, पर वो बहुत लेट दी। मैं उनका धन्यवाद भी करूँगा कि उन्होंने दी, क्योंकि पिछले साल तक कोविड की वजह से हमने घाट को तैयार कर दिया था, पर परमिशन नहीं मिलने की वजह से छठ पूजा नहीं हो पाई। पर जो गाइडलाइन दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने दी है उसको हम फॉलो करते हुए छठ का पर्व का आयोजन करेंगे यहाँ पे। उसका पूरे विशेष ध्यान रखा जाएगा, सैनिटाइज का भी, मास्क का भी और थर्मल मशीन का भी, और 2 डॉक्टरों को भी यहाँ बाकायदा बिठाया जाएगा। क्योंकि जी, तमाम जो घाट हैं उन पे कई ऐसे घाट हैं पश्चिमी दिल्ली के जिन पर बहुत ज़्यादा राजनीति जो है वो देखने में आ रही है। आपका जो घाट है वो हमेशा से राजनीति से अछूता रहा है, निजी प्रयासों के चलते आप लोग ये घाट बनवाते हैं और मेरे ख्याल से राजनीतिक इसमें कोई दखल नहीं होता, लेकिन इस बार जो है क्या दिल्ली सरकार का कोई योगदान, कोई सहयोग आपको मिलेगा, नगर निगम का कोई सहयोग, कोई योगदान आपको मिलेगा, क्या छठ पे यहाँ भी कोई राजनीतिक रस्साकसी देखने को मिलेगी? नहीं, राजनीति लोग राजनीति करते हैं, हम तो हमारी श्रद्धा है छठ पर्व को मनाने की। यहाँ लोग आते हैं राजनीति करके चले जाते हैं, हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें हम किसी से 1 रुपया कोई चंदा नहीं लेते,
मेरे और सुमेश जी के माध्यम से ये छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। और रही बात एमसीडी की, क्योंकि पिछले 4 साल से भाई लोगों ने हमारे को इलाके का निगम पार्षद बना रखा है, तो छठ जो एमसीडी के माध्यम से 10-15 हज़ार रुपये मिलते हैं, वो मैंने पिछले 2 साल पहले मिले थे, वो परले घाटों पे दे दिए थे। तो यहाँ बात राजनीति तो करना चाहते हैं लोग, कल भी कुछ लोगों ने यहाँ ड्रामा किया होल्डिंग पोस्टर के माध्यम से, उनको सोचना चाहिए जिसका प्रोग्राम है उसके सामने आप होल्डिंग लगाओगे तो कल ना हमारा भी मौका आएगा, हम बताना चाहेंगे उनको। और होल्डिंग पोस्टर से कुछ नहीं होता, राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, हम तो सेवक हैं छठ मैया के, हमने सेवा करनी है और उस सेवा का हमें फल भी मिला है। सुखबीर जी, पूर्व के वर्षों में जब कोविड नहीं था तब देखा गया था कि तमाम जो कार्यक्रम थे भव्य वो यहाँ पे होते थे, इस बार क्या ऐसे कार्यक्रमों की कोई रूपरेखा है आपकी, झांकी वगैरह कुछ हो या फिर रागनी वगैरह कुछ ऐसे कार्यक्रम हो, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग मना कर दिया गया ऐसे कार्यक्रमों के लिए? बिल्कुल सर, कल भी SDM साहब आए थे यहाँ पे, उन्होंने हमारे से आदेश दिया भैया रंगारंग कार्यक्रम या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आप मत करना, पर फिर भी हमने SDM साहब से रिक्वेस्ट करी है कि हम सिर्फ छठ मैया के गीत गाएंगे यहाँ पे, और कोई भी रागनी या कोई ऐसा गाना जो भोजपुरी संगीत होते हैं, आप समझते हो भोजपुरी संगीत तो बहुत तड़क भड़क होते हैं, तो उनको नहीं होगा आपकी बार, सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और छठ मैया कोविड प्रोटोकॉल के अंदर ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि एक भी आदमी अगर संक्रमित हो जाता है तो दिक्कत हमारे को होगी, वो भी हमारा भाई होगा, हमारी बहन होगी हमारी, तो उसको विशेष ध्यान रखा जाएगा और डॉक्टरों की टीम यहाँ पे बागादा गेट में बिठाई जाएगी। सुखबीर जी, एक चिंता और है इस समय, चूँकि डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में पानी यहाँ पे घाट पे भरा जाएगा, साथ में जो गंदगी है कहीं ना कहीं वो साइडों में जमा रहेगी, तो क्या दवाओं का जो छिड़काव है वो सब किया जाएगा ताकि उससे लोग सुरक्षित रहें? मैं बताना चाहता हूँ सर, कल भी मैंने, आप मेरी फेसबुक पे माध्यम से देख सकते हो, कल भी मैंने अपने हाथ से यहाँ फॉगिंग करी है, और अभी मेरे MCD के अधिकारी आए थे, अभी एक मशीन लेके गए कृष्णा मार्केट में और दूसरी मशीन यहीं चलाएंगे आज घाट पे, जितने भी नंगली वार्ड में घाट हैं उनको बाकायदा फॉगिंग और दवाई की व्यवस्था पूरी की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं शानदार छठ पूजा के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सुखबीर शौकीन बताते हुए कि जो तैयारियाँ हैं छठ पर्व की वो मुकम्मल कर ली गई हैं, और कल जब डिवोटीज यहाँ पे जुटेंगे उससे पहले एक भव्य छठ घाट बनके तैयार होगा, और जो सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं उनके लिए वो सब यहाँ पे मौजूद होंगी। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।